साहित्यकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा बयान दिया है। पीके ने कहा है कि जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू हमेशा से बीजेपी से बहुत बड़ी पार्टी रही है और इसी के आधार पर आगे भी रहेगी। पीके ने कहा है कि बिहार में जेडीयू हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रही है। पीके ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जेडीयू उपाध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि बिहार में जेडीयू की सरकार है, बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी है। तो अब फिर से पीके के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। जिस तरीके से बयान दिया है कि जेडीयू को आगामी विधानसभा चुनाव पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, अब ऐसे में बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के घोषित चेहरा हैं, उसमें तो कहीं कोई दो मत है नहीं। जदयू यहाँ पर बड़ी पार्टी रही ही है, आज से नहीं 2004 से है, और भाजपा के साथ जो जदयू का गठबंधन है उसमें जदयू बड़ी पार्टी के तौर पर ही लड़ती रही है। और अगर आप विधानसभा के चुनाव को देखेंगे 2004 में भी 2009 में भी, दोनों ही टाइम जदयू के सीटों की संख्या भाजपा से बहुत ज़्यादा थी। तो वही और बिहार में जदयू की सरकार है जो कि भाजपा जिसमें शामिल है, इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड। भाजपा की सरकार नहीं है बिहार में, बिहार में जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उस सरकार में शामिल है। तो पीके के बयान को जेडीयू ने सही ठहराया है। जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू की बड़ी भूमिका में ही होगा, हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है। उधर बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पीके कोई पार्टी के अधिकारी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि हम बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। पीके हमारी पार्टी के नेता हैं और हर लोगों को अपने अपने विचार रखने की जरूरत है। हालांकि इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है और नीतीश कुमार बिहार की प्रगति में एक सबसे बड़ी भूमिका में रहे हैं। नीतीश कुमार और जनता दल यू एक बड़ी भूमिका में रहेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में हर को बोलने का अधिकार है, हर को अपनी राय देने का अधिकार है, उस नाते अगर किसी ने राय दिया है तो वो स्वागत योग्य है। जनता दल कौन बड़ा कौन छोटा, सवाल इसका नहीं। हम लोगों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो घोषणा किया है अगले चुनाव में किस चुनाव लड़ेंगे, जब ये घोषणा होगी तो उसके बाद इन बातों का कोई औचित्य नहीं। ये सच बात यह है, आप भी जानते हैं कि अभी जब से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से उन्होंने अपने पदाधिकारी की घोषणा नहीं की, तो किसी और के बयान पर टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पटना से लाइव हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, पहले से को लेकर किस तरीके से बयान दिया उस पर सियासत हुई थी और अब पीके ये कह चुके हैं कि जेडीयू बड़ी भाई है, बड़े भाई की भूमिका में है तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। हालांकि रिएक्शन भी आने लग गए हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन इसको क्या समझा जाए जरा बताइए। देखिए पीटी, बयान ऐसे समय में आया है जब झारखंड के चुनाव में अब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है और इसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से गठबंधन में सहभागी है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, तो अब जेडीयू यहाँ पे एक तरीके से दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। हालांकि ये सच है कि पहले से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन जिस तरीके से 2019 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे तो यहाँ पे बराबर बराबर सीटों पे बंटवारा हुआ था और ऐसे में जिस तरीके से जेडीयू लगातार बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन यहाँ पे अगर लोकसभा में बात करेंगे 40 सीटों में तो मात्र दो सीट थे जेडीयू के पास और अपने 5 सिटिंग एमपी को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने समझौता किया और यहाँ पे बराबर बराबर सीट शेयरिंग की थी। अब ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पे अब विधानसभा चुनाव 2020 का सामने में है और सीट बंटवारा जो है एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित होगा, क्योंकि अब बीजेपी ये चाहती है कि जिस तरीके से लोकसभा में वो सेक्रीफाइस की है इसकी भरपाई वो अब विधानसभा में करे और तमाम सारे जो कार्यकर्ता है और जो फीडबैक है उसके हिसाब से बीजेपी पीछे नहीं हटना चाहती। इसलिए जिस तरीके से झारखंड का चुनाव हुआ है पहले ही जेडीयू अपनी ओर से बातों को रखना शुरू कर दी है कि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज़्यादा यानी कि 1:1.3 या 1:4 होगा, ऐसा पीके का कहना है प्रशांत किशोर का। तो जाहिर तौर पर यानी 10 अगर बीजेपी के अगर उम्मीदवार हैं तो यानी 13 या 14 जेडीयू के उम्मीदवार होंगे इस समीकरण के हिसाब से और उसके बाद एलजेपी। लेकिन देखिए ना, बीजेपी की ओर से भी तो बयान आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अमित शाह का साफ तौर पर जिक्र करते हुए कहा है कि वो पहले कह चुके हैं कि हम 7 चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने 7 तो लड़ेंगे लेकिन क्या यहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा यह अभी तय नहीं किया गया है। इसको लेकर उन्होंने पीके को यह तक कह दिया कि वो कोई अधिकारी तो नहीं है कि वो जो बयान देंगे उसको माना जाएगा। देखिए बातें जो है ऐसे ही नीचे से उठती है और जाहिर तौर पे अगर पीके कोई बात को कह रहे हैं तो कोई बड़ा बयान अगर पार्टी की ओर से पार्टी के नेता अगर कहते हैं तो जाहिर तौर पे उसमें कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है या सहमति है, इसका खंडन भी नहीं आया, बल्कि श्याम रजा का उनकी सहमति को उनकी उनकी जो बात है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि ये राजनीति है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से भी उसी तरीके से बातें आ रही है, जो मैच्योर बड़े नेता हैं जो या फिर जो प्रभाव वाले नेता हैं वो इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, गोल मटोल बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड लाइनर नेता है वो सीधा सीधा इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी से भाई वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबीआर झारखंड में। सर जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है पीके का आपने भी सुना होगा जी, किस तरीके से वो अभी से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्यादा सीटों पर जेडीयू को चुनाव लड़ना चाहिए, बड़ा भाई है, आप इसको कैसे देखते हैं, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एनडीए का एक अनसोल्विंग मामला है, लेकिन फिर भी बीजेपी देश में शासन कर रही है, उसका सरकार है केंद्र में, लेकिन बिना वो सरकार बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी को ही जाना चाहिए, जो भी कह रहा है गलत ध्यान दे रहा है, तो बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी की भूमिका में जाना चाहिए, जैसे तो कोई बात नहीं, ये तो दूसरे के कमरे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आने वाले समय में जैसे समाप्त हो जाएगी और सभी को समाप्त होगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे किस तरीके से अब रिएक्शन भी आने लग गए हैं, क्योंकि देखिए चुनाव बेहद करीब है और हर चीज को चुनावी चश्मे से ही देखा जाएगा, और अगर इस समय पीके इस तरीके का बयान देंगे तो तमाम सवाल भी इस पर खड़े होंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने